नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएएस फर्स्ट। यह वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक से अधिक पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम कैलेंडर या उनके द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन यह बताता है कि उनके द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया जाना है उसकी तिथि एक ही है, 17 फरवरी। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन कौन से स्टेट हैं जो कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो आयोजन किया जाएगा परीक्षा का वो 17 फरवरी को आयोजन किया जाना है। तो इसमें पहला स्टेट है छत्तीसगढ़ का, देन दूसरा स्टेट है एमपी मध्य प्रदेश का, और तीसरा स्टेट है महाराष्ट्र का। तो चलिए यहाँ पे तो हम महाराष्ट्र को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के साथ दिक्कत ये है कि यहाँ पे मराठी लैंग्वेज कंपलसरी है। तो यहाँ का पेपर तो वही बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से, जहाँ से उनका एजुकेशन हुआ हो, स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के तहत, तो उन्होंने मराठी पढ़ी होगी तो वह तो वहाँ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए हम महाराष्ट्र को एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब चूंकि हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एमपी का नोटिफिकेशन तो ऑफिशियली नहीं आया है बट पहले उनके द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि जो एग्ज़ाम है उसका आयोजन 17 फरवरी को किया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन दिसंबर तक आ जाएगा। तो बच्चों के साथ कन्फ्यूजन ये थी कि उनके मन में यह संशय था कि छत्तीसगढ़ और एमपी में से किस स्टेट का फॉर्म भरा जाए, क्योंकि पेपर तो सिर्फ एक जगह ही जाके दिया जा सकता है। तो उनके मन में यह दुविधा थी कि हम एक बार देख लेते हैं कि किस स्टेट में कितनी सीट है, वहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी सक्सीड करने की है, उस हिसाब से हम फॉर्म भरेंगे। तो चूँकि एमपी का तो नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है और गवर्नमेंट चेंज हुई है तो गवर्नमेंट के साथ पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं। तो अब चूँकि आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो सिर्फ जो टेंटेटिव डेट है 17 फरवरी को, उसमें सिर्फ 50 दिन बचे हैं। तो 50 दिन में नोटिफिकेशन निकाला जाए और बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं वह पूरी की जाए, फॉर्म भरा जाए, देन बैठने की अरेंजमेंट्स की जाए और बाकी सारी अरेंजमेंट्स की जाए, तो वह खासी मुश्किल लगती हैं। तो अब जहां तक बात है एमपी पेपर 17 फरवरी को करा पाए तो वह तो होने से रहा, तो अब सिर्फ एक ऑप्शन बचता है छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का फॉर्म बेझिझक होकर भरना चाहिए। जो भी लोग हिंदी हार्टलैंड से आते हैं स्पेशली, तो वह पेपर जाके दे सकते हैं, या अदर देन भी जो पीसीएस में इंटरेस्टेड हैं तो वह छत्तीसगढ़ का पेपर उन्हें देना चाहिए। तो चलिए देन इसी पे हम छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन देख लेते हैं और मोटे तौर पे हम जो इसमें मोटी मोटी बातें होंगी वह देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इसमें बताया है कि जो परीक्षा का आयोजन है वह 17 फरवरी को किया जाना है। परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी को किया जाएगा। पेपर दो सिटिंग में होगा, पहले जीएस पेपर वन सामान्य अध्ययन का 10 बजे से 12 बजे तक, एंड देन दूसरा पेपर जो सी सेट वाला होगा वह 3 बजे से 5 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। देन बाद में इन्होंने कहा है कि जो मेंस परीक्षा का आयोजन होगा वह 21, 22, 23 और 24 जून को होगा। छत्तीसगढ़ का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर एक बात तो अच्छी है कि यह जो मेंस की डेट देते हैं वह उस डेट पे मेंस करा भी लेते हैं। बाकी स्टेट जैसा नहीं है, स्पेशली जो हिंदी प्रदेश हैं उनके साथ पीसीएस की एक खासी दिक्कत होती है कि डेट उनके बड़े पोस्टपोन होते हैं। वो जो डेट देते हैं पता नहीं क्यों देते हैं, क्योंकि वो खुद तो उस डेट पे पेपर करा नहीं पाते, बट ये दिक्कत छत्तीसगढ़ के साथ नहीं है और ये अच्छी बात है कि उन वहाँ पर नियमित पेपर हो रहे हैं। तो दिन उन्होंने बाद में कहा है कि जो फॉर्म भरने की डेट है वो 7 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गई है जो कि 5 जनवरी तक चलेगी। तो अब आपके पास जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हार्डली 7 या 8 दिन है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए क्योंकि अब एमपी का वेट करना कोई तुक नहीं बनता है कि एमपी का वेट किया जाए। देन आगे उन्होंने नोटिफिकेशन में बाकी सारी डिटेल्स बताई हैं, वही सारी बातें कही गई हैं कि 17 फरवरी को पेपर का आयोजन किया जाएगा। देन आगे उन्होंने सीट्स बताई है। तो इसमें जब हम पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो हम दो ही सीट देखते हैं, एक एसडीएम की कितनी पोस्ट है और एक डीवाईएसपी की कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे तो एसडीएम की काफ़ी कम पोस्ट है, टोटल 3 ही पोस्ट है, और डीवाईएसपी की भी 9 पोस्ट है, और देन बाकी के बाइफर्केशन आप देख लीजिएगा, और टोटल उन्होंने पोस्ट कही है कि 160 पोस्ट टोटल है। तो पीसीएस के हिसाब से 160 पोस्ट तो काफ़ी कम होती है, बट आजकल सारे स्टेट का यही हाल है कि कहीं भी 200, 250, 300 से ज़्यादा सीटें आ नहीं रही हैं। स्पेशली इस बार बिहार के साथ काफ़ी अच्छी बात थी, अगर आपने बिहार का पेपर दिया है तो अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सीट ज़्यादा थी, और एक राजस्थान में अच्छी खासी सीट आती है क्योंकि वहाँ पे अपर और लोअर का जो सब ऑर्डिनेट का होता है वो एक ही में होता है। तो चलिए खैर वो तो
दूसरी बात है, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते और देखते कि नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इन्होंने नोटिफिकेशन में और सारी बातों के साथ साथ इन्होंने बताया है कि जो प्री का आयोजन होगा वह 16 जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे किया जाएगा, ये 16 उन्होंने नाम दिए हैं, और जो मेन्स का आयोजन है वो 5 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में किया जाएगा, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, इसके अलावा 2 और है, जगदलपुर और रायपुर, ये 5 सेंटर्स होंगे। देन न्यूनतम योग्यताएँ क्या होगी, आप सबको पता है कि 1 डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। देन उसके बाद आयु का जो है उनका जो कट ऑफ डेट होगा एज के लिए वह 1 जनवरी 2018 होगा। एंड देन छूट वगैरह की बात की गई है कि SC ST देन OBC में क्या किसे छूट प्राप्त होगा और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और देन अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए, तो आप वो एक देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देन बाकी की कुछ खास बातें कही नहीं गई हैं। देन इसमें DYSP के लिए जो बॉडी फिजिक्स की बात की गई है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी तो वो आप देख लीजिएगा। देन हम इस वीडियो में आगे बढ़ते, ये टेबलर फॉर्म में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, इतनी खासी यूज़फुल नहीं है, देन फिर भी आप नज़र इस पर एक बार ही दौड़ा लीजिएगा। देन अगर हम इसमें इस वीडियो में आगे बढ़े तो इन्होंने अर्हता की बात की गई है, देन ऑनलाइन फ़ीस की बात की गई है, कैसे फॉर्म भरना है और वो सारी डिटेल्स में इन्होंने बताया है। कोई पढ़ता तो है नहीं, बट फिर भी आप एक बार ही देख लीजिएगा, फॉर्म भरने में ईजी हो जाएगा। देन उन्होंने बताया कि ये सारी जो पोस्ट है वो ग्रुप बी की पोस्ट है, सेकेंड क्लास की है, तो वो भी अच्छी पोस्ट होती है ग्रुप बी की, तो वो आप एक बार ही देख लीजिए उसका नेचर क्या है। देन आगे शैक्षणिक योग्यता वगैरह की बात की गई है, जो कि हम पहले उसकी चर्चा कर चुके हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री होता है। देन सेम यहाँ पे फिर से वही जो बॉडी रिक्वायरमेंट, जो बॉडी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है उसकी चर्चा की गई है, और बाकी नोटिफिकेशन तो कुछ खास बताया नहीं जाता है। सीट्स वगैरह क्या है, कितनी है, उसका नेचर क्या है, वही सब है। देन अभी जो हमने ऊपर चर्चा की है उसी को फिर इंग्लिश में बताया, तो चलिए देन इसको स्किप करते हैं और इस PDF में आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन को देखते हुए, और देखते हैं कि आगे इन्होंने क्या बताया। तो आगे जो प्री का एग्ज़ाम होना है तो वह 2 सेटिंग में होगा और उसका नेचर कैसा होगा ये बताया है। तो इन्होंने बोला है कि जो दोनों पेपर होंगे उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ईच 2 मार्क का होगा, टोटल पेपर 200 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, और जो पेपर 2 होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब उसके नंबर तो नहीं जुड़ेंगे मेरिट में मेरिट बनाते वक्त, बट आपको वो पास करना होगा। तो उसको जो पास करने के लिए आपको मिनिमम 33% उसमें मार्क्स लाने होंगे, मतलब 200 में से 66 मार्क। देन आगे वो बताते हैं कि जो सिलेबस होगा प्री के लिए वो सिलेबस क्या होगा। तो चलिए एक बार फटाक से नज़र दौड़ा लेते हैं कि सिलेबस जब की बात कर रहे हैं तो सिलेबस में हमें क्या क्या करना है। तो सामान्य अध्ययन जो भाग एक और जो भाग दो है, तो भाग एक जो है वो होलिस्टिक का होगा पूरा, मतलब आपको एक भारत के बारे में एक ओवरव्यू रखना है, और भाग दो में छत्तीसगढ़ का आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो भाग वन में चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या बातें कही गई हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपको क्या ज्ञान होना चाहिए, तो भारत का इतिहास पता होना चाहिए, भारत का स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पता होना चाहिए, भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक की घटनाओं के बारे में आपको अवेयर होना है, खेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वही खेल के बारे में जब हम बात करते हैं कि किसने क्या जीता और मेडल्स वगैरह वो सारी, और इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई खबरें आपको पता होनी चाहिए। देन आगे जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, तो उसमें आपको एक ओवरऑल व्यू होना चाहिए छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, और स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है उसके बारे में, छत्तीसगढ़ की जलवायु, भूगोल, भौतिक दशाएं और पुरातात्विक जो पर्यटन केंद्र है उन सारे बारे में, देन छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, इन सब के बारे में, और देन मुहावरे और जहाँ पे वहाँ की जो लोकतियाँ हैं उनके बारे में, देन छत्तीसगढ़ की जनजाति, विशेष परंपराएं, तीज और त्यौहार के, चूँकि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट हो जाता है, सम शॉर्ट ऑफ नेचर उसका ट्राइबल स्टेट जैसा है, तो उसके बारे में आपको खासी जानकारी रखनी है। देन उसके बाद छत्तीसगढ़ के आपको अर्थव्यवस्था एवं वन कृषि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसका प्रशासनिक ढांचा क्या है, पंचायती राज का स्ट्रक्चर क्या है, टू कितने टीयर का है, देन बाकी चुनाव वगैरह कैसे होते हैं, वो सारी बारे में आपको एक बारी ओवरव्यू ले लेना है, वहाँ के उद्योग धंधे और खनिज, जल और ऊर्जा की क्या स्थिति है वो, और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो करंट का होगा वो सारी बातों का आपको एक ओवरव्यू रखना है। देन चलिए देखते हैं कि पेपर टू में आपको क्या क्या पढ़ना है जो CSET वाला नेचर का है। तो इसमें एक मेजर चंक जो होता है वो इंटरपर्सनल स्किल का होता है, तो आप एक बारी वो देख लीजिएगा। देन आगे संचार कौशल सहित आपको पारस्परिक कौशल में एक परांगत होना होगा, देन तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, निर्णय निर्माण से सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो निर्णय निर्माण वाले सवाल आप एक बार जरूर देखिएगा। देन इसके अलावा सामान्य मानसिक जो योग्यता होगी वो आपकी चेक की जाएगी, और मूल
मूल संख्यात्मक कार्य, इसमें सामान्य आपका गणित का कौशल चेक किया जाएगा, कक्षा 10वीं तक का वो होता है। इसके अलावा जो रेखांकन या जो तालिकाएं होती हैं या जो पाई चार्ट्स होते हैं उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं परसेंटाइल वाले। देन आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो यह सारी रिक्वायरमेंट्स हैं प्री के लिए। तो आप एक बार ये वो ध्यान से पढ़िएगा, सिलेबस के हिसाब से आप तैयार किए करिए। देन बाद में इन्होंने आगे बताया है कि जो आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या इंस्ट्रक्शंस की खासी जानकारी रखनी होगी और किन सावधानियों को बरतनी होगी, तो वो सारी आप एक बारी वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। खैर वैसे कोई पढ़ता नहीं है और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती, इंस्ट्रक्शंस बड़े क्लियर होते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप इजीली भर लेंगे। तो खैर ये सारी चर्चाएं, ये सारी चीज़ें बताई गई थी नोटिफिकेशन में जो छत्तीसगढ़ ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला है। तो आप गो थ्रू करिए नोटिफिकेशन को, सिलेबस अच्छे से पढ़िए, 50 दिन का टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर करिए। सीट कम है 150, बट ठीक है, ज़्यादा उम्मीदें कर नहीं सकते, इससे ज़्यादा सीट आएंगी भी नहीं फिलहाल जो जैसा आजकल का माहौल बना हुआ है। तो खैर जितना है उसी में हमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो उसको क्रिएट करिए, एग्ज़ाम जितने मैक्सिमम स्टेट में हो सकता है दीजिए। अगर आप प्री का प्रिपेयर नहीं भी करते हैं तो बिना प्री का प्रिपेयर किए ही एग्ज़ाम दीजिए प्री के लिए स्पेशली, क्योंकि प्री में अगर हम एक स्टेट का पढ़े या हम IAS के लिए प्रिपेयर करें तो वो मोर और लेस सेम हो जाता है, हम कुछ दिन में भी वहाँ का जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ठीक है देन, चलिए देन मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।